एक साल से आप घर बंद रहता है तो इस तरह का हो जाता है, वो वहां पर डस्ट है। चलो अभी तो मैं आया हूँ, थोड़ा आराम करता हूँ, फिर बाकी मूवर्स एंड पैकर वगैरह सबको बुलाता हूँ। मैंने मूवर्स एंड पैकर वगैरह तो बुक कर दिया है, सामान कैसे जाना है, कल आएंगे वो, पैकिंग करेंगे पूरा और लेके चले आएंगे। घर अभी भी पूरा बिखरा हुआ है, सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमा हुआ है, और जमाऊंगा भी तो कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि कल आके फिर उन लोगों को आके पैक करके आना है। ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर को मैंने डिफ्रॉस्ट करा था, लेकिन इतनी ज़्यादा बर्फ़ जमी हुई है कि वो हो नहीं रही थी, तो मैंने पूरा खोल दिया और उसको मेन स्विच से बंद कर दिया है। तो अभी मैं महाबलीपुरम जाने का प्लान कर रहा हूँ। महाबलीपुरम जाने के लिए मैं अपनी गड्डी, ये बहुत गंदी हालत में दिख रही होगी, 1-1.5 साल से बिल्कुल बंद पड़ी हुई थी, कल जाके मैंने इसको ठीक कराया, इसी से आऊँगा। तो इससे ज़्यादा समय गोप्रो तो अस्सी लाए नहीं, अपन ने सोचा नहीं था कि ट्रैवल करना पड़ेगा, तो मे बी ट्रैवल करते समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, रास्ते में कहीं रुक के देखता हूँ जहाँ पर मैं रिकॉर्ड कर सका। एल सीधे महाबलीपुरम जाके रुकता हूँ, चेन्नई टू महाबलीपुरम। थोड़ा सा प्लान में चेंज लग रहा है, मुझे लग रहा है कि पौंडुचेरी होके आते हैं, ड्राइविंग में थोड़ा मज़ा आ रहा है मुझे, थोड़ा टाइम लगेगा, 2-2.5 घंटे हैं पौंडुचेरी, लेकिन पहले वहाँ जाते हैं और लौट के समय महाबलीपुरम थोड़ा रुकते हुए आऊँगा। तो सीधे भाग रहा हूँ, पहले पौंडुचेरी वहीं रुकूँगा मैं। तो अब मैं आ गया हूँ पौंडुचेरी में, और पौंडुचेरी में मुझे पता नहीं बहुत लोगों को पता है कि नहीं पता, एक्चुअली पौंडुचेरी जैसा कि गोवा था पहले, वहाँ पर पुर्तगीज ने कैप्चर करा हुआ था, उसी तरह पौंडुचेरी को पहले फ्रेंच लोगों ने कैप्चर करा हुआ था, और बहुत बार क्या हुआ कि फ्रेंच और ब्रिटिश एक दूसरे को देते रहे, मीन्स देयर इज़ ए बिग स्टोरी कि कब किसने क्या दिया, किस सन में दिया, लेकिन बताऊँगा तो हिस्ट्री की तरह हो जाएगा। तो इस बता रहा हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन लोगों ने पौंडुचेरी को बनाया, फिर ब्रिटिश ने उनसे ले लिया, फिर एक दूसरे को देते रहे वो लोग, फिर फाइनली भारत यानी इंडिया को ये पौंडुचेरी मिल गया, और इंडियन गवर्नमेंट ने ये ओथ ली कि यहाँ का जो कल्चर है, फ्रेंच कल्चर का जो है थोड़ा सा, उसको मेंटेन करेंगे। तो एक्चुअली अब क्या हुआ है, अब जो फ्रेंच कल्चर यहाँ का है, फ्रेंच एरिया जो है, सिमट के बहुत छोटे से एरिया में रह गया है, बहुत बड़े एरिया में नहीं रह गया है। तो उसी छोटे से एरिया को मैं घूमने आया हूँ, यहाँ पर एमजी रोड है सी के जस्ट बाजू में, जितनी लंबी वो एमजी रोड है वहाँ पर गाड़ी ले जाना अलाउ नहीं है, तो जितनी लंबी मैं बोल रहा हूँ जितनी लंबी वो एमजी रोड है उतने एरिए में फ्रेंच कल्चर को संभाल के रखा हुआ है। बहुत ज़्यादा भीड़ है क्योंकि क्रिसमस का समय, लोग ज़्यादा घूमने आए हुए हैं अलग अलग जगह से, मेनली अब इस एरिया में रेस्टोरेंट्स हैं और सिर्फ रेस्टोरेंट्स ही हैं, और लोग घूम के आके सिर्फ ये देखते हैं कि ये एरिया किस तरह का दिखता है, पौंडुचेरी का ये फ्रेंच एरिया किस तरह का दिखता है, लोग सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं। मैं देखता हूँ कि बाजू में एमजी रोड है, एमजी रोड पे वॉक करने में कितना टाइम लगेगा, सिर्फ एक रोड है बाजू और उसके बाजू में सी, दैट्स इट, दिस इज व्हाट एमजी रोड इज। और इस एरिया में मेरे पास क्योंकि टाइम कम है, मैं चेन्नई से यहाँ पर आया, मेरे पास सिर्फ 1-1.5 घंटे का टाइम है,
जिसमें मुझे जितना मैक्सिमम एरिया है पांडुचेरी का वो कवर कर सकता हूँ। तो मैं एक चर्च गया था, अभी यहाँ पर ऑरोविला है, अगर टाइम रहा तो मैं लौटते हुए ऑरोविला भी चला जाऊँगा। लेकिन अगेन क्योंकि मुझे जल्दी निकलना है, क्योंकि 2-2.5 घंटा लगेगा यहाँ से चेन्नई वापस पहुँचने में, तो मैंने क्या ट्रिक करी, मैं यहाँ आया और कैमरे को हाथ से ही बाइक चलाता रहा और हाथ से ही होल्ड करता रहा, मैं हाथ में ही होल्ड करके मैंने जारपर एरिया कवर कर लिया। फिर मुझे लगा कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ और मैं भटक ना जाऊँ, मैंने गाड़ी कहाँ पार्क करी उससे ना भटक जाऊँ। तो रिकॉर्डिंग तो मैं कर रहा हूँ, एक बार मैं गाड़ी देख के आता हूँ, क्योंकि मुझे मेन एमजी रोड पर जाता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब मैं एमजी रोड से वापस आऊँ तो मुझे यही नहीं पता हो मैंने गाड़ी कहाँ पार्क करी। और यहाँ पर जो नाम्स हैं, जो मैं बोल रहा था, देखो ये रू डमा, मेनली यहाँ पर तमिल और फ्रेंच, इसी में हर जगह पर लिखा हुआ दिखेगा जा रहा है, रोनों के नाम भी उसी तरह से लिखे हुए हैं। ये मैं आ गया हूँ पांडुचेरी के एमजी रोड पर। मुंबई में मरीना ड्राइव पर इस तरह का जाओगे वैसी ही फीलिंग आती है यहाँ पर, कि एक तरफ आप वॉक कर सकते हो और एक तरफ बीच है। That's it, और खाने का कोई यहाँ पे ज़्यादा है नहीं, आई मीन हॉकर्स वगैरह नहीं है रोड साइड पे जो खाना बेचते हैं, वो मुझे दिख नहीं रहे। शाम जब होती है तब मैं, जब मैं लास्ट टाइम आया था तब यहाँ पर शाम के होते ही लोग घूमने के लिए जाते हैं, और उस समय हॉकर्स वगैरह भी अवेलेबल मिल जाते हैं जो आपको कुछ खाने का दे सकते हैं। अभी लेकिन नहीं है, अभी मेनली अगर खाना है तो यहाँ पर जो रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो इम्पोर्टेंट है पता रहना कि गाड़ी कहाँ पार्क करी है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मुझे ये नहीं पता हो कि मैंने गाड़ी कहाँ पार्क करी हो जाते समय, क्योंकि जाने में और ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और ये मैं कूदा। Uno, dos, tres, comienza la acción. Ella es fanática de la atención. Canta pulmón justo esa canción que le cambió toda la dirección. Ya que ese ex no quiere más, no quiere llanto, no quiere nada. Quiere gozarla, quiere escapar. कम समय के लिए यहाँ पर आया। एक्चुअली तो मेरे प्लान में था ही नहीं पांडुचेरी आना, मेरा प्लान तो महाबलीपुरम तक जाने का था, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो अस्सी आ ही गए हैं तो फिर घूम के आते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको, जहाँ मैं घूमा हूँ लेकिन वो कैप्चर नहीं कर पाए वो मोमेंट्स। पांडुचेरी ऐसी एक जगह है, साउथ अफ्रीका एक जगह है जिसको मैंने पूरा कवर करा हुआ है, लेकिन मैं उसकी भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया हूँ, तो होपफुली बाद में कभी वहाँ पर जाऊँगा। तो ये जो चीज़ें हैं आपको दिखाने के लिए मुझे इन जगहों पर बार बार आना पड़ेगा। ठीक है, कोई गल नहीं, अपने काम ही घूमना है, घूमने में मज़ा आ रहा है, फिर से आ जाएंगे घूमने के लिए, तो मस्त जगह है। Lo que era su realidad ya no está puesta para el drama, lo que quiere es gozar, no pecar. हाँ, पर फ्रेंच एम्बेसी भी है, तो ये आ गया हूँ मैं चलते चलते, यहाँ से जहाँ से एमजी रोड चालू होती है उसके स्टार्ट में ही फ्रेंच एम्बेसी है, और इसके सामने सिक्योरिटी भी है, और ऊपर अगर आपको दिख रहा हो वो वहाँ पर फ्रेंच फ्लैग भी है, और सामने देसी पुलिस भी बैठी हुई है उन लोगों की सिक्योरिटी के लिए। वैसे पांडुचेरी इज़ अ सेफ सिटी, लेकिन तब भी सेफ्टी के लिए गवर्नमेंट ने पूरा प्रिकॉशन लिया हुआ है, और अगेन फ्रेंच में लिखा हुआ है और तमिल में लिखा हुआ है। बहुत अच्छा, इंडियन लैंग्वेज तो अपनी रहनी चाहिए। और अपन ने सामने आकर एक छोटा सा वीडियो भी निकाल लिया है काउंसुलेट जनरल ऑफ फ्रांस के सामने। अब अपन आगे बढ़ते हैं अपनी गड्डी के पास, गड्डी कहाँ रखी है उसको लेके ऑरोविला। ऑरोविला के लिए आपको पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, जो मेरा तो है नहीं, डोम की तरह का उसका शेप है, और उस शेप में वहाँ पर मेनली योगा होता है, मेडिटेशन होता है, और जो लोग बाहर से योगा करने आते हैं वो पूरा काम खुद भी करते हैं। लग रहे घूम गए,
गाड़ी कहाँ पार्क करी पता नहीं, तो फिर से एमजी रोड पर आ गया हूँ। कि एमजी रोड पर मैंने मुझे इतना मुझे याद है एक अलग कलर की शॉप देखी थी मैंने, उससे राइट लेके जाना है। हाँ अभी बहुत चलना है, तो अंदर जाके मैं कंफ्यूज नहीं होना चाहता कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। मिठाई ऑलरेडी बच चुका है, महाबलीपुरम भी देखना है जाते समय, क्योंकि मैंने सोचा था जितनी एनर्जी है यहाँ पर लगा देता हूँ आने में, जाते टाइम महाबलीपुरम पहुँच गया तो वहाँ से 30 किलोमीटर है चेन्नई, वहाँ से किसी तरह पहुँच ही आऊँगा। चलो वीर तुम बढ़े चलो, लंबा लंबा बढ़े चलो, जब तक गाड़ी तक नहीं पहुँच जाओ तब तक बढ़े चलो। तू यहाँ भी आ गया, तू चेन्नई मेरे को मिला था, क्या कर रहे हैं अब जा। अपना आ गया, अपना आ गया, मिल गई गड्डी, गड्डी मिल गई। टाइम भी हो रहा है 3 बजने वाले, लेके भगो और अगला थोड़ा टाइम मिलता है तो ठीक, नहीं तो वापस चेन्नई। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये कैनाल है, बहुत पहले जब फ्रेंच लोग यहाँ रहते थे तो ये कैनाल हुआ करती थी, अब तो ये नाली ऐसी दिख रही है, गंदी भी है। तो उस तरफ का जो एरिया है उस तरफ फ्रेंच लोग रहा करते थे, और कैनाल के इस तरफ इंडियन लोग रहा करते थे। तो ये है हिस्ट्री, उस तरफ का एरिया पूरा फ्रेंच लोगों का था, इस कैनाल को उन्हें ऐसे डिवाइड करने के लिए रखा हुआ था कि इंडियन थे, और रोड के इस तरफ अब तो रोड बन गई, कैनाल के इस तरफ रहते थे अपने देसी बंदे। जाते आते मुझे लगा कि ये बता देता हूँ, कैनाल मुझे दिख गई, नाली दिख गई, पहले कैनाल थी दिख गई, तो मुझे लगा कि रुक के इसको ले लेता हूँ, अब नेक्स्ट टाइम तो पता नहीं कब आने वाला। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो फट से लाइक बटन को दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कुछ कमेंट डाल दीजिए। आप लोगों का लव और सपोर्ट मुझे एनकरेज करेगा और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए सिर्फ आपके लिए। चलो सायोनारा।